हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चावल की रोटी। और चावल की रोटी हम एकदम नए तरीके से बनाएंगे और इसमें मैंने सब्जियाँ डालकर बनाई है और बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और इसे हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में 1 कप पानी को उबलने के लिए रख देंगे और 1/2 कप मैंने यहाँ पर आलू को ग्रेट करके इसे डाल दिया है और 1 चम्मच हम इसमें अदरक ग्रेट करके डाल देंगे। 1 से 2 आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं और यहाँ पे मैंने हरे प्याज की जो है पत्ती है उसको ली है। ये रहेगा तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो ऑप्शनल है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़ा कप जो है पालक को अच्छे से धोकर बारीक बारीक कट करके इसे डाल देंगे। स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए, ये थोड़ा पक जाए, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कप मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है उसे डाल दिया है, फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर उसको हम ढक्कन से ढक देंगे। अब हम इसको निकाल देंगे एक थाली में, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे और इसे मसल मसल कर हम इसका सॉफ्ट जो है आटा लगा लेंगे। इस तरह मसल मसल के एकदम अच्छे से इसका सॉफ्ट डो लगा लेना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है घी डाल दे रही ताकि इससे और इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। फिर इसे इसका डो लगा लेंगे। तो हमारा जो डो है देखिए अच्छे से तैयार हो चुका है। अब चलिए हम रोटी बेलना शुरू करते हैं। तो आटे की हम थोड़ी सी लोई ले लेंगे और इसको अच्छे से हम रोल करेंगे। अच्छे से रोल करने के बाद इसे इस तरह चपटा कर लीजिए और थोड़ा सा सूखा आटा लेके इसको हम बेल लेंगे। तो मीडियम साइज में ही इस रोटी को बेले, बहुत ज़्यादा ना पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा। तो ये थोड़ा साइड साइड में फटा हुआ लग रहा है तो इसका टेंशन ना लें आप। एक कोई बड़ा सा टिफिन का डब्बा लें, उससे आप इसको कट कर सकते हैं। इससे क्या रोटी देखने में भी अच्छी लगेगी और अच्छी सी बनेगी। तो फिर तवे पर डाल दें, जब एक साइड हो जाए फिर इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड अच्छे से पका लेंगे। तो हमारी रोटी जो है दूसरी साइड भी अच्छे से पक गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, सेक लेंगे। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा दे रही हूँ ताकि इसमें सॉफ्टनेस और आ जाए। तो इसी तरह हम सारी चावल के आटे की रोटी बना लेंगे। तो देखिए अब कितना आसान है ये रोटी बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। किसी भी सब्जी के साथ, अपने अचार के साथ आप इसे खाएं। अगर आपको ये रोटी की रेसिपी पसंद आई है तो